गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. और अभी हम हो रहे हैं रेडी और आज है वीकेंड. तो वीकेंड पे सारा लाइक मेस क्रिएट हुआ हुआ है और आज मुझे शूटिंग भी करनी है. इस टाइम हो रहा है 10:30. बेटी ऑलरेडी हो चुकी है. शिवांश देख रहा है जंगल बुक. और ये सारा मेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ कितना हो रहा है. क्योंकि आज हम क्योंकि जो भी सारा हमारे पास स्टफ है वो हम सोच रहे हैं कि डोनेट कर दें लाइक एनजीओ वगैरह में दे आए. क्योंकि विंटर्स आ चुकी हैं और जो भी आपके ऐसे कपड़े हैं जो आप नहीं पहन रहे हैं तो एटलीस्ट वो लोग पहन सकें. और विंटर्स में काफी हेल्प हो जाती है. जो आपके कपड़े यूज के नहीं है तो आप उनको डीक्लटर कर सकते हैं एंड उनको दे सकते हैं. तो हमने एक कार्टन रेडी कर लिया है लाइक विंटर एंड समर दोनों के मिक्स है क्योंकि इतना मैनेज नहीं हो पाता है. और तो जैसे भी हैं हम सारे इकट्ठे एक जैसे मतलब देने वाले हैं. और वैसे भी दोनों ही तरह के कपड़े पहने जाते हैं विंटर हो चाहे समर के हो तो दोनों ही कपड़े यूज हो जाते हैं. तो ये हमने कार्टन रेडी कर लिया है. इसमें अच्छे स्टफ है लाइक ऐसा नहीं है कि कपड़े ऐसे हों कि हाँ भाई आप नहीं पहन सकते. सारे बिल्कुल सही है. तो आप जो भी डोनेट कर रहे हैं हमेशा ऐसे कपड़े डोनेट कीजिए कि जो अच्छे हों लाइक फटे हुए नहीं हो और बहुत ज्यादा पुराने नहीं हो और वॉश हुए हुए हो. तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अब बहुत ही ज्यादा गंदा स्टफ निकाल के रख देते हैं देने के लिए. तो ऐसा ना करें. अच्छा पोछा बनाने के काम आते हैं तो अच्छा ही डोनेट कर सकते हैं आप लोग. तो यहाँ पे अभी इतना कुछ करने के बाद भी ये सारे कपड़े बचे हुए हैं बेडशीट वगैरह. एंड यहाँ पे मैंने अपना रूम क्लीन किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मैं शूटिंग करने जा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो बीच में मैंने कोई भी शूटिंग नहीं करी. तो मेरे जो स्टूडियो रूम है उसमें काफी सारा कचरा था वो यहाँ पे निकला हुआ है. तो लास्ट टाइम जैसे हम अनपैकिंग कर रहे थे तो उसमें जैकेट कट गई थी. तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि इसमें नीचे ये लगा रहे हैं जिससे कि जब चाकू से वो कट करेंगे तो सारा वजन इस कार्टन पे आए कपड़े ना कटे. तो फ्रेंड्स काफी हद तक क्लीनिंग हो चुकी है और अभी काफी सारी बची है. बट मैं अभी ये सब छोड़ के और अभी नहाने के लिए जा रही हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि काफी सारा स्टफ इकट्ठा हो चुका है और मुझे जल्दी जल्दी शूटिंग करनी है. मीनवाइल मेरा रूम भी अच्छे से स्टूडियो रूम हो चुका है क्लीन. अभी थोड़ा सा रह रहा है अभी और क्लीन होना है. तो फ्रेंड्स पहले ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड देन फिर मैं नहाने जाऊंगी. और यहाँ देखे अभी पिंपल निकल गया. यहाँ वाला ठीक हो गया ऑलमोस्ट. यहाँ पे मिस्टर बिंदल ने स्टार्ट कर दिया है ब्रेकफास्ट करना. और आज ब्रेकफास्ट में बने हैं वेजिटेबल सैंडविच विद होल व्हीट ब्रेड. तो ये हमारे बाहर के जो सर्वेंट क्वार्टर है स्टोर रूम कह लो या सर्वेंट क्वार्टर कह लो वैसे सर्वेंट क्वार्टर के पर्पज से ये है. तो इसका टॉयलेट है. अब टॉयलेट तो हमारे किसी काम नहीं आता इसके चक्कर में हमने इसके पानी वगैरह सब बंद करा रखी है और ये पूरा देखो खाली पड़ा हुआ है. ये देखिए खाली पड़ा हुआ है और इसकी हालत भी थोड़ी काफी खराब हो रखी थी कई दिनों से. तो ये टॉयलेट का तो कुछ नहीं कर सकते किराए का घर है तो इसे हटा नहीं सकते. बट इसको टॉयलेट की बजाय इस पूरे को साफ करा के और यहाँ पे हमारा जाने वाला है कुछ ऐसा सामान जो काम नहीं आता तो स्टोर की तरह हम यूज करने वाले हैं. इसको स्टोर की तरह ही यूज करें पर यहाँ पे भी इस एरिया को भी प्रॉपर स्टोर करने वाले हैं. तो अभी देखिए इसकी क्लीनिंग चल रही है और ये हमारे स्टोर रूम की अगर हालत देखोगे ना तो बहुत बुरी हो गई इस समय. ये देखिए कितना सारा कबाड़ भरा पड़ा है. धीरे धीरे ये सारा साफ हो जाएगा. नंबर आया है और ये जो आप ये देख रहे हैं क्लीनिंग के लिए टूल ये अमेजन से ही लिया है और काफी अच्छे से वर्क करता है. इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी तब काफी यूजफुल है लेकिन इस क्रॉस ब्रांड से अच्छा नहीं है. अच्छा क्रॉस ब्रांड से वो जो ज्यादा अच्छे हैं. तो फ्रेंड्स अंदर वाले कमरे की सफाई और ये सारा काम हो गया है. तो ये देखिए जितना सामान हमने बाहर रखा हुआ था और ये सामान कभी निकला नहीं तो हमने क्या किया ये पूरा सामान इसके अंदर रख दिया है. और देखो कितनी आसानी से एडजस्ट हो गया है और ये दरवाजा बंद करने में भी कोई चैलेंज नहीं है. तो ये इन चार टाइल को छोड़ करके बाकी सारी टाइल्स पे सामान रख सकता है. अभी इसमें और भी सामान रखने की जगह है बट इतने कार्टन्स नहीं है और सामान को थोड़ा सा अरेंज करने के लिए और कार्टन्स वगैरह चाहिए हमारे हमको. तो जैसे जैसे कार्टन्स आते रहेंगे इसमें सामान अरेंज करते रहेंगे. तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से अरेंज हो गया और ये फ्लोर वगैरह देख लो कितना अच्छा क्लीन हो गया है पहले कितना गंदा हो रहा था. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है और आप गेस करके बताइए किस चीज की हो रही है. शिवांश देखो कितने इंटरेस्ट के साथ बैठ गया है यहाँ पे. चाकू मेरे हाथ में रुको.
एक्चुअली फ्रेंड्स हमारा ना स्टैंड टूट गया था और वो हमारा तकरीबन 5 साल चला है, तो फाइनली हमें इसकी काफी नीड थी तो हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया था अभी। तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कैसा निकला है। तो इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल रिसीव नहीं होता, आपको खुद का दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। ये पेपर है तो ये क्या है बीच में? हाँ है तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रिसीव होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो यही जाएंगे, हाँ, और इन दोनों को आपस में रोकने के लिए यहाँ जोड़ने के लिए कुछ होगा। तो इनको तो रखते हैं साइड में, ये तो हमें क्लियरली पता ही है क्या है ना। और पर ये तो ये भी कम मैच अच्छे हैं, तीन तीन है। हाँ अब हमें क्या करना है, ये दो ये लगाने हैं इसमें। तो ये इतना रेडी हो चुका है और ये मिस्टर बिंदल एंड शिवांश ने मिलके किया है काम। ये 6 बच्चे हैं और अभी ये लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा लाइक मैन मतलब इसका जो वो दिया हुआ था असेंबली है वो थोड़ी मुश्किल है, जितनी आसानी से हमने पिछला वाला असेंबल कर लिया था उतना आसान नहीं है, जबकि वो पहली बार था और ये हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक बार, उसके बाद कर रहे हैं तो भी थोड़ी मुश्किल लग रही है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये असेंबल हो चुका है और इसमें काफी टाइम लग गया, लाइक एक घंटे के आसपास का चल गया। मेरी हाइट से थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा ये ऊपर ऐसे है? हाँ। तो यही ऊंचाई नीचा क्यों हो रहा है? ऐसा ही है बाय डिजाइन है, ये फोल्डर फोटो में भी देख लिया, एक ऊंचा एक नीचा है। और ये ऊपर क्या टंगेगा यहाँ? ये आपका हैंगर है, आप इसमें जो मर्जी है टांगो। ये यहाँ पे शर्ट्स के लिए होता है और बाकी इसमें अच्छे 3-4 जगह है, मतलब काफी सारी जगह है। और इसमें एक और बढ़िया फीचर है कि जब आपको ये यूज नहीं करना हो या फिर तुम्हें लगे कि यहाँ कपड़े टांगने हैं और इसको यूज नहीं करना है, तो एक और बढ़िया फीचर है इसमें कि लगे कि यहाँ कपड़े बीच में आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ खींचो और इसको फोल्ड। हाँ ये अच्छा है। तो ये फीचर होने की वजह से आपको यहाँ पे ये, क्योंकि कई बार लंबे लंबे कपड़े होते हैं ना तो वो नीचे दूसरे कपड़े में अटकेंगे, तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके। अच्छा वो उसको नहीं, उसके लिए भी है वैसे, अगर आपको बंद करके अंदर साइड में कहीं लगाना है, नहीं फिर आराम से कहीं पे भी आप इसको बंद करके आराम से खड़ा कर सकते हो ना। बाकी तो एक्चुअली ये वाला जो हैंगर होता है वो अगर आप सिंगल हैंडेड ही यूज करो, लाइक अगर आप अकेले हो घर में तो यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लोग इस पे कपड़े टांगते हैं और या फिर हाउस हेल्प यूज करती हैं तो फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा डैमेज होता है। बट अगर आप सिंगल हैंडेडली यूज कर रहे हो, जैसे कि मेरा पहला हैंगर था तो मेरा 5 साल चला है आराम से, एंड ये भी काफी चलने वाला है वैसे तो फाइनली हैप्पी हूँ, क्योंकि लाइक इस तार पे ना अच्छे से आ नहीं पाते थे कपड़े और इस पे अभी विंटर्स हैं तो काफी सारे कपड़े भी हो जाते हैं, विंटर के होते हैं प्लस आपके वैसे नॉर्मल होते हैं तो सूखते भी नहीं है बिकॉज धूप भी नहीं निकलती है, तो यहाँ पे अब अच्छे से टंग जाएंगे प्रॉपरली, अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो मुझे काफी पसंद आया। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी थी खंडवा की, तो मैंने फिर से ट्राई किया, लाइक मुझे थोड़ा सा क्लिक किया माइंड में कि यार मेरी रेसिपी अच्छे से नहीं निकल पाई, तो मैंने एक और बार ट्राई करा और आवाज थोड़ी बैठी हुई है, एंड आज आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली निकल के आया, जैसे मैं उस दिन आपसे कह रही थी कि कभी कभी हो जाता है टूट जाता है, बट आज बिल्कुल परफेक्टली निकला है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अभी मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, एकदम सुपर टेस्ट है। टेस्ट उस दिन भी अच्छा था, टेस्ट उस दिन भी अच्छा था, बट वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में होता ना, आज आप देख सकते हो प्रॉपर्ली बिल्कुल अच्छे से निकल के आया है, और इसको आप अब किसी भी स्नैक्स वगैरह में, किसी को भी स्टार्टर में, स्नैक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं हम यहीं पे, क्योंकि सुबह से बहुत सारा हेक्टिक डेज था आज एक्चुअली, जैसे आपने देखा ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है।